हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज है 28 मई और आज के जो भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में आपके साथ लेकर आ गया हूं। साथ ही साथ दोस्तों क्वेश्चन से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं सारे क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा और वीडियो के लास्ट में करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट क्विज है उसको आपको सॉल्व कर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना जैसा कि आप डेली करते हैं। और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो घंटी है उसको ऑन कर लें ताकि आपको मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सीट समय पर मिलती रहे। वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ लाइक और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर। चलिए प्रारंभ करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 37 वर्ष बाद उबर कप जीता है? तो दोस्तों हाल ही में जो है तो 37 वर्षों बाद लगभग उबर कप जापान ने जीत लिया। मैं आपको बता दोस्तों जापान ने फाइनल में किसको हराया, तो फाइनल में थाईलैंड को हराकर 3-0 से हराकर लगभग 37 वर्ष बाद एक खिताब हासिल कर लिया। और वहीं दोस्तों उबर कप की बात करें दोस्तों, जो उबर कप की स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी 1957 में इसकी शुरुआत हुई थी। और उबर कप के बारे में आपको बता दोस्तों, उबर कप जो है जिसे कभी कभी महिलाओं के लिए विश्व टीम चैंपियनशिप कहा जाता है, वहीं महिलाओं की राष्ट्रीय बैडमिंटन टीमों की एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है, ठीक है। और एक इसके अलावा आपको बता दो उबर कप जो है केवल राष्ट्रीय टीम आयोजन के रूप में प्रतिष्ठा में ओलंपिक के बाद दूसरा है, ठीक है। तो वहीं जब बात करें जापान की दोस्तों, जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो शिंजो आबे, ठीक है। वहीं बात करें दोस्तों थाईलैंड की, तो थाईलैंड की जो राजधानी है वो है बैंकॉक और यहाँ के जो पीएम है वो हैं प्रत्युत चान ओछा, ठीक है, प्रत्युत चान ओछा यहाँ के पीएम है। वहीं बात करें दोस्तों चाइना की, तो चाइना की जो राजधानी है वो है बीजिंग और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं चाइना के प्रेसिडेंट वो हैं शी जिनपिंग। वहीं बात करें भूटान की दोस्तों, तो भूटान की राजधानी है थिम्पू, यहाँ की करेंसी है न्यूक्लेट्रम और यहाँ के जो राजा हैं वो है जिग्मे खेसर, ठीक है। तो हाल ही में किस देश ने 37 वर्ष बाद उबर कप जीत लिया है? दोस्तों हाल ही में जो जापान ने जो है तो फाइनल में थाईलैंड को हराकर 37 वर्षों बाद एक खिताब जीत लिया है। और उबर कप एक बैडमिंटन प्रतियोगिता है जो कि महिलाओं के विश्व कप के बराबर है, ठीक है। और कब शुरुआत हुई थी उबर कप की, तो 1957 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये सारे फैक्ट्स जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं इसलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ऐसे सारे क्वेश्चन में शेयर करता रहूँगा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसके अलावा बता दो यदि आप इसकी PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी आपको, ऑफिस से जाके PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश की संसद ने फाटा खैबर पख्तूनख्वा का विलय करने के लिए एक बिल पास किया है? दोस्तों इसका आंसर है वो है पाकिस्तान, ठीक है। दोस्तों देखिए दोस्तों, पाकिस्तान सांसदों ने उत्तर पश्चिम राज्य खैबर पख्तूनख्वा के साथ अफगानिस्तान सीमा सटे आशंका कवायली क्षेत्र के विलय के लिए मतदान किया और इसके एक दिन पहले इस ऐतिहासिक प्रस्ताव को नेशनल असेंबली ने जो है तो ध्वनिमत से पारित कर दिया था। इस विधेयक के तहत दोस्तों जो है तो फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरियाज यानी FTA फाटा को खैबर कानून प्रांत का साथ विलय होना है। तो किस देश की संसद ने फाटा खैबर पख्तूनख्वा का विलय करने के लिए बिल पास किया है? तो ये बिल पास किया है पाकिस्तान ने। वहीं बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शाहिद खाकन अब्बासी, ठीक है। चलिए अगले अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य की सरकार राज्य में प्रत्येक किसान के लिए 5 लाख तक जीवन बीमा प्रदान करने की एक अनूठी योजना पर काम कर रही है? तो इसका आंसर दोस्तों तेलंगाना। देखिए दोस्तों, तेलंगाना राज्य की सरकार राज्य में प्रत्येक किसान के लिए 5 लाख तक जीवन बीमा प्रदान करने की एक अनूठी योजना पर काम कर रही है। और इसके अलावा बता दोस्तों, इसके साथ ही राज्य सरकार जो है तो प्रत्येक वर्ष अगस्त को पूरे प्रीमियम का भुगतान करने की योजना बना रही है। और दोस्तों बता दूँ, यह नई बीमा योजना 15 अगस्त 2018 को शुरू होगी और इसके साथ तहत किसानों को बीमा बॉन्ड दिए जाएंगे, ठीक है। वहीं बात करें तेलंगाना के दोस्तों, तो यहाँ की राजधानी है वो है हैदराबाद और तेलंगाना के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो हैं के चंद्रशेखर राव, ठीक है, यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे। और तेलंगाना के जो वर्तमान गवर्नर हैं राज्यपाल हैं वो ESL नरसिम्हन है। और देखिए दोस्तों, तेलंगाना से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ दोस्तों आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था, ठीक है। तो किस राज्य की सरकार राज्य में प्रत्येक किसान के लिए 5 लाख तक जीवन बीमा प्रदान करने की अनूठी योजना पर काम कर रही है? तो इसका आंसर है तेलंगाना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4000 मेगावाट
के पतरातु सुपर थर्मल पावर प्लांट की नींव रखी है। जिसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी झारखंड। ठीक है, देखिए दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4000 मेगावाट के पतरातु सुपर थर्मल पावर प्लांट के नींव की झारखंड में नींव रखी है। ठीक है, वहीं बात करें झारखंड की तो राजधानी है रांची, वर्तमान मुख्यमंत्री है रघुवर दास और झारखंड के जो वर्तमान राज्यपाल है वो है द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ट्राइफेड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। इसका आंसर है रमेश चंद्र मीना को। देखिए दोस्तों ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ट्राइफेड का नया अध्यक्ष चेयरमैन रमेश चंद्र मीना जी को चुना गया है। ठीक है, जिसमें कि वो 25 मई 2018 को आम सभा आयोजित की गई, इसमें 11वें निदेशक बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ट्राइफेड का नया अध्यक्ष रमेश चंद्र मीना जी को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है द स्पाई क्रॉनिकल्स रॉ ISI एंड द इल्यूजन ऑफ पीस नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये पुस्तक लिखी है दोस्तों ए और बी ऑप्शन दोनों यानी असद दुर्रानी और AS दुल्लत। ठीक है, असद दुर्रानी और AS दुल्लत जो है तो ये पाकिस्तान के पूर्व ISI चीफ असद दुर्रानी और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व चीफ AS दुल्लत की किताब द स्पाई क्रॉनिकल्स द ISI एंड द इल्यूजन ऑफ पीस नामक पुस्तक लिखी है। प्रश्न दोस्तों 25 मई 2018 को किस स्थान पर INLCU-L54 जहाज को भारतीय नौसेना बेड़े में शामिल किया गया है। इसका आंसर है पोर्ट ब्लेयर से। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर से। अब देख लेते हैं दोस्तों कल की क्विज का उत्तर। मैंने जो कल क्वेश्चन पूछा था हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 64वां सदस्य बना है, तो इसका आंसर है नीदरलैंड। काफ़ी लोगों ने राइट आंसर दिया था। तो नीदरलैंड के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं भारत के दौरे पर आए हुए थे मार्क रूट और नीदरलैंड की राजधानी वह एम्स्टर्डम। ठीक है, तो हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 64वां सदस्य बना, नीदरलैंड बना है। अब देख लेते हैं आज की क्विज का जो सवाल है, हाल ही में मिजोरम का नया गवर्नर यानी राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है कुमार नाम राजशेखरन, गणेशी लाल, मीर या कोई नहीं। तो आपको यदि आपने पिछली वीडियोस करने फेस की देखी होगी तो आपको आंसर निश्चित रूप से पता होगा। तो यदि आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और यदि आप कल की वीडियो नहीं देखे करने फेस की तो यहाँ पे प्ले होगी, आप यहाँ से देख सकते हैं। और ऐसी ही वीडियोस डेली पाने के लिए करंट अफेयर्स की चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं कल की करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।